हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा और आज की वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। दोस्तों, आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि भैया स्टोर 99 का बिजनेस बिना फ्रेंचाइजी कैसे कर सकते हैं, इसको प्लीज बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी इसी पे होने वाली है कि स्टोर 99 का बिजनेस आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं विदाउट टेकिंग फ्रेंचाइजी। दोस्तों, सारी बातों से एक बात आपको मैं यहां पे बता दूं कि अगर आप स्टोर 99 का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों बिना फ्रेंचाइजी के स्टोर 99 का बिजनेस बहुत आराम के साथ में किया जा सकता है। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपके थोड़े बहुत डाउट्स जरूर क्लियर कर पाऊं, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखते रहिए, आपके काफी कुछ डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हों, आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप नीचे कमेंट करोगे वही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उनका रिप्लाई करना बार बार, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर कर चुका हूं। तो वीडियो पूरा देखना, उसके बाद अगर कुछ लगता है आपको कि कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे जंप करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोर 99 में आप क्या बेस्ट कर सकते हो कि आपकी सेल बढ़ जाए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आप अपनी शॉप का आउटलुक किस तरीके का रख सकते हैं, यानी कि बाहर से शॉप आपकी किस तरीके की दिखनी चाहिए, आप किस तरीके का मॉडिफिकेशन या किस तरीके का आउटर लुक रख सकते हैं अपनी शॉप का जिससे कि आपकी सेल इंक्रीज हो। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि आप कौन कौन से मेथड से स्टोर 99 ओपन कर सकते हो। इनफैक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे कम लागत में कैसे शुरू कर सकते हो, थोड़ा सा पैसा लगा के आप कैसे शुरू कर सकते हो, और अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो फिर तो भैया आप आराम से बड़े पैमाने पर खोल सकते हो। तो तीनों के बारे में बात करूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी स्टोर 99 का बिजनेस अगर आप बिना फ्रेंचाइजी के खोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप फ्रेंचाइजी भी लेते हैं तब भी इन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद वो लोग आपको ज्यादा कुछ नहीं देते, तो आपको खुद से ही सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तब भी रिक्वायरमेंट्स एक बार देख लेना ताकि आप भूलो ना कुछ भी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आप प्रोडक्ट कहां से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भी बता दूं मैं एक चीज़ कि दिल्ली में बहुत सारे मार्केट्स हैं जहां से आप इस तरीके का सामान ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ सप्लायर्स की डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी उनके कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा जिनसे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों स्टोर 99 के बिजनेस में आप क्या बेस्ट कर सकते हो कि आपके स्टोर 99 बिजनेस की सेल बढ़ जाए। दोस्तों, यहां पे कुछ भी बेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो बिजनेस ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बिजनेस कुछ टाइम के लिए प्रॉफिटेबल है, उसके बाद इसमें सेल इतनी अच्छी नहीं होती है। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, ये भी मैं यहां पे कवर कर देता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि आपने अगर फ्रेंचाइजी ले ली, 5 लाख का आप सामान एक सेम सप्लायर से ले रहे हो, आप चेंजेस नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो कस्टमर आपकी शॉप पे आना छोड़ देगा। इस चीज में मैं एग्री करता हूं कि ये बिजनेस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बहुत अच्छा चलता है, हाई बहुत ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, उसके बाद कस्टमर धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे। वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की सेम है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 99 प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, और 99 दोस्तों सिंपल सी बात बता दूं, जो 99 के प्रोडक्ट है वो आपको 65-75 रुपीस का पड़ रहा है, उसमें भी कंपनी मार्जिन निकाल रही है, तो प्रोडक्ट कितना ही अच्छी क्वालिटी का होगा, और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ना होने की वजह से आपकी सेल जो है वो लॉस होती है कुछ टाइम बाद। क्यों? क्योंकि जो आपके शॉप से प्लास्टिक का आइटम लेके गया है घर पे जाएगा, कुछ टाइम में टूट जाएगा, तो वो जो है सेटिस्फाई नहीं होगा और बोलेगा कि अगली बार से वहां से नहीं लूंगा। सो इसीलिए दोस्तों सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हो कि आप हर कैटेगरी के कस्टमर को डील करो, जिनके पास जो ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते उन कस्टमर को भी अपनी शॉप से मत जाने दो, जो थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं उनको भी अपनी शॉप से मत जाने दो, और जो हाई प्रोफाइल कस्टमर्स होते हैं उनको भी अपनी शॉप से मत जाने दो। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, मैं तो आपको दोस्तों यही एडवाइस दूंगा कि आप दोस्तों कम से लेके हाई रेंज तक के प्रोडक्ट्स रखो, यानी कि जरूरी नहीं है अपने 99, अगर आप शॉप का नाम रख रहे हो तो 99 में ही रखो। 99 का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपके जो प्राइस है उसमें 9 होना चाहिए लास्ट में, तो जरूरी नहीं 99 सा, आप 29, 49, जैसे 49 का है अगर आपका कोई प्रोडक्ट तो 50 कस्टमर आपको दे जाएगा, 29 का 30 रुपीज़ दे जाएगा। और यहाँ पे भी आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, 29 का प्रोडक्ट है आप 2-3 टॉफी के डब्बे खरीद लो, कैंडीज के डब्बे, बेसिकली बिजनेस कर रहे हो उसमें भी प्रॉफिट है। आपने एक छोटी कैंडी का डब्बा खरीद लिया, वो 75 रुपीज़ का डब्बा आपको पड़ेगा जिसमें 100 कैंडीज मान के चलो एक ओवरऑल, तो आपके 25 रुपये उसमें भी आप कमा लोगे। और कितनी कैंडीज आपका जब 99 का प्रोडक्ट, तो आप 1-1 रुपये तो चेंज देते नहीं रहोगे, ऑल दो कोई नहीं देता, लेकिन आपको यहाँ पे एक कैंडी जरूर देनी है कस्टमर्स को, वो इसलिए देनी है, वो 1 रुपये से आप अमीर नहीं बन जाओगे और कस्टमर गरीब नहीं बन जाएगा, बट एक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बिल्ड करना है आपको यहाँ पर। आपने 99 का उसने प्रोडक्ट दिया, आप 1 रुपये नहीं दे सकते, आप 1 टॉफी उनको दे दो और उसमें भी आपका मुनाफा है, लेकिन जरूर दो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं यही बताऊंगा कि आप 29, 49, 79, 59 इस तरीके से सारी रेंज रखो, फिर 99, फिर 199। ज्यादा अगर आप हासिल नहीं कर सकते, ज्यादा हौच पौच ना हो बिजनेस में और प्राइजेस में, तो आप
कम से रखो, उसके बाद जब ऊपर पहुंच जाए 99 के बाद आप सीधा 199 रख दो, फिर 199 के बाद दोस्तों आप 299, 399, 499 रख दो। आपको देखना होगा किस तरीके से आपको मैनेज करना है। इसके लिए आपको ही मैनेज करना पड़ेगा कैसे क्या प्राइस रखने हैं। इस तरीके के प्राइस आप दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स के तभी जस्टिफाई कर पाओगे जब आप प्रोडक्ट लेके आ जाओगे। पहले आपको स्टॉक लेना पड़ेगा, फिर आपको प्राइसेस डिसाइड करने होंगे। और दोस्तों सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो, आपने कभी फ्रेंचाइजी मतलब फ्रेंचाइजी या बिना फ्रेंचाइजी के कोई बिजनेस नहीं किया है, तो दोस्तों आपको मार्केट में अभी स्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी, और मुसीबतों का मतलब ये नहीं आने का कि हम बिजनेस बंद कर लेंगे। मुसीबतों का मतलब ये होता है कि वो आपको सिखा रही हैं। लेकिन स्टोर 99 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, तो आप परेशान ना हो। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहले आप 4 से 5 कैटेगरीज के प्रोडक्ट में डील करो। धीरे धीरे जब आपको सारा काम आपके समझ में आ जाएगा, सब चीजें आपके हाथ पे होंगी, फिर आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ किचन आइटम्स, हाउसहोल्ड आइटम्स, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, क्लॉथिंग और फुटवेयर, इन 5 अगर चीजों में भी डील करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप और सारे प्रोडक्ट्स रखोगे तो आपको दिक्कत होगी। अब आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करना है। अगर आप इन 5 कैटेगरीज में डील नहीं कर सकते तो आप 4 सेलेक्ट कर लो या 3 सेलेक्ट कर लो, इन 4 से 3 कैटेगरीज में डील करो। और जब चीजें आपकी सारी शॉर्ट हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी आप बढ़ा सकते हो, यानी कि हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को भी आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि आप किस तरीके का आउटलुक रख सकते हो अपनी शॉप का। तो दोस्तों आप इस तरीके की शॉप रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से, अच्छी तरीके से, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स में आप, यानी कि कुछ कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हैं अगर आपकी छोटी सी दुकान है। अगर आपके पास बड़ा एरिया है, बड़ा हॉल है, तो आप ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास छोटी शॉप है लेकिन आपके पास स्पेस थोड़ा कम है और बाहर भी ज्यादा जगह नहीं है, तो आप बेसिक सिंपल सा ऐसा लिखवा सकते हैं स्टोर 99। बट ऐसा शॉप रखने के लिए आपको प्रमोशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक चीज बता दूं, जो शॉप के ग्लासेस हैं उन ग्लासेस को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो यहां पे फ्लैक्स या विनाइल प्रिंटिंग लगा के। विनाइल प्रिंटिंग और फ्लैक्स क्या होते हैं दोस्तों, ये एक एडवर्टाइजिंग की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। या फिर आप इस तरीके से स्टोर 99 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट खोल सकते हैं, या आप ऐसे बड़ा सा प्रमोशन कर सकते हैं फ्लैक्स लगवाकर, यानी कि आपने अपने सिटी का नाम रखकर या कुछ भी नाम रखकर आप इस तरीके से वॉच, ग्लास, टेडी या गोगल्स, जिस जो जो आप प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं वो लिख सकते हैं और बड़ा बड़ा 99 रख सकते हैं। दोस्तों यहां पे आप देखिए, ये एक शॉप है बहुत जो अच्छे खासे काफी एरिया को यूटिलाइज करके बनी हुई है। यहां पर ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टोर 99 बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और सारा सामान 99 का इस तरीके से रखा हुआ है बाहर ही। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से रख आपने देख सकते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च करके शॉप को नहीं खोला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च किया है तो लोकेशन में, बाकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा खर्च नहीं किया। आप देख सकते हैं बाहर प्रोडक्ट्स को अरेंज कर दिया ताकि कस्टमर आए और सीधा बाहर से प्रोडक्ट देख सके, और अंदर भी सिर्फ इन्होंने जो आप शॉप की जो वॉल्स हैं, साइड वॉल्स, उन पे सिर्फ रैक्स लगवाई और स्टॉक को अरेंज कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपके पास पूंजी कम है और आप खोलना चाहते हो। लेकिन पूंजी कितनी भी कम हो, लोकेशन पे सेक्रीफाइस मत करना, लोकेशन अच्छी जगह पर आप लेकर इस तरीके से शॉप को शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि आपको कौन कौन से मेथड से आप इसको खोल सकते हैं। दोस्तों सबसे जो सिंपल मेथड है वो होता है कि आप कम पैसे लगा के अगर आप खोलना चाहते हो तो आप दोस्तों आराम से टेबल में खोल सकते हो। यानी कि टेबल्स कौन से होते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके के कुछ टेबल्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो टेबल हैं, ये शादी पार्टी में यूज होने वाले टेबल्स हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ये टूटते नहीं है और बहुत ज्यादा, और फोल्ड करने के बाद बहुत सिंपल तरीके से ये बहुत कम एरिया ऑक्युपाई करते हैं। तो इस तरीके के कुछ टेबल्स हैं, आप देख सकते हैं इनके दोनों साइड वॉल को आप हटाकर फोल्ड कर सकते हैं इसको इस तरीके से। ये मेरा टेबल है जो मैंने लिया हुआ था, ये अभी थोड़ा गंदी हालत में है क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। मैं आपको इसका प्राइस भी अभी बताऊंगा। तो इस तरीके का कुछ टेबल है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के टेबल में लेकर आप काम कर सकते हैं। आप किस तरीके से इसमें काम होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैसी कर रखा है इन्होंने, बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो रखी है यहां पे प्रोडक्ट्स की, ऐसा नहीं करना है आपको। यहां पर आप देख सकते हैं दीवारें इनकी खाली हैं, तो आप ये टेबल जो मैं लगा रहे हैं और इन्होंने टेबल के ऊपर कुछ अच्छी शीट नहीं बिछाई है। अगर अच्छी सी शीट बिछाई हो तो इतना गंदा ये ऐसा लगता नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप टेबल में भी खोल सकते हो। लेकिन टेबल में आपको तभी खोलना है जब आप पैसा ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते तब। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो मैं बताऊंगा अगर आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हो तो। ऐसे आप बाहर प्लास्टिक के कुछ आइटम्स ऐसे शो कर रहे हो, यहाँ पे रख दो। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप एक माइक और स्पीकर ले लो अगर आप अनाउंसमेंट करना चाहते हो तो। उसमें आप आराम से अनाउंसमेंट कर सकते हो कि 99 99 99, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो कि सभी माल 99 का, सभी जिस तरीके से आप रख रहे हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट चेंज है 99 to 29 59 या 199, तो आप कुछ और अनाउंसमेंट कर सकते हो। लेकिन अनाउंसमेंट करना जरूरी है अगर आपकी शॉप थोड़ी सी मार्केट से थोड़ा सा आगे पीछे है, तो फिर आप अनाउंसमेंट कर सकते हो कि सबसे सस्ता यहीं, सबसे या सस्ता यहीं, या सेल सेल सेल, कुछ भी आप कर सकते हो अनाउंसमेंट इस तरीके के। आप अपने पर्सनल केयर के भी कुछ प्रोडक्ट्स रख सकते हो, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप रखो इनको भी।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा तो ये जो दीवारें हैं, दीवारों पर कुछ भी नहीं इन्होंने लिखा हुआ है। तो दीवारों पे अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइसेस अलग अलग है तो जिस टेबल में अगर आपने 29 का प्रोडक्ट रखा हुआ है तो वहां पे सामने दीवार पर आप लिख के लगा दो छोटा सा कि ओनली रुपीज 29। उसके बाद जो दूसरा टेबल है वहां पे आप 59 का लगा दो, फिर आगे जो टेबल्स लगे हैं उनमें 99 का, फिर 199, 299, 399, 499। एक बार शॉप में जब कस्टमर एंटर कर रहा है तो सस्ता, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा महंगा, 99, 199, 299, और शॉप के लास्ट में काफी ज्यादा कॉस्टली। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, जब कस्टमर आपकी शॉप में घुसता है ना तो सबसे पहले कस्टमर स्टार्टिंग के प्रोडक्ट्स को देखता है और उसके बाद कस्टमर सीधा जाके एंड में रुकता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप देख लेना जब आपके स्टोर में लोग घुसेंगे एंटर करेंगे तो देखना, पहले लोग सबसे ज्यादा स्टार्टिंग के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा देखेंगे, फिर चलते जाएंगे मिडिल में ज्यादा नहीं ध्यान देते और लास्ट में प्रोडक्ट ज्यादा देखते हैं लोग। तो स्टार्टिंग और लास्ट में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, अच्छे प्रोडक्ट्स रखने होंगे, सबसे सस्ते और सबसे महंगे, सिंपल। अब दोस्तों मैं आपको आगे बता देता हूं कि सेकंड जो मेथड है वो कौन सा है। दोस्तों सेकंड मेथड जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है, अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप इस तरीके के रैक्स ले सकते हैं। दोस्तों मैं हर वीडियो में बता चुका हूं कि रैक्स का फायदा काफी है, वो रैक्स का फायदा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आप स्टोर कर सकते हैं और दूसरा प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। विजिबिलिटी इन द सेंस हर रैक में आप अलग अलग प्रोडक्ट को रखेंगे तो प्रोडक्ट आराम से कस्टमर्स देख सकते हैं प्रॉपरली, और इन रैक्स के ऊपर आप आराम से प्राइस टैग भी लगा सकते हैं छोटे छोटे। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि ये रैक्स आपकी बहुत अच्छे से पैक होकर आ जाएंगे अगर आप ऑर्डर करेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऑफलाइन पहले सर्च कर लो, अगर आप किसी ऐसी लोकेशन में रहते हो जहां पर इस तरीके की रैक्स आपको नहीं मिल रही है तो आप अमेजॉन वगैरह से ऑर्डर कर सकते हो, इस तरीके से पैक होकर आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं अमेजॉन पे ये 2700 रुपए की है, लेकिन ये 2700 रुपए की है, लेकिन इसका साइज भी देख लेना, साइज थोड़ा सा छोटा है। तो साइज बड़ा आप अपने मार्केट से ले लो, इनका प्राइस आपको दोस्तों पड़ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3200 या 4000 के आसपास, तो इस तरीके की आप ले सकते हो। और मैं पीछे टेबल का प्राइस बताना भूल गया, टेबल के प्राइस में दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैं जहां पर रहता हूं मुझे इस तरीके के टेबल मिल नहीं पा रहे थे, तो मैं जो शादी पार्टी में काम करते हैं यानी कि हॉल्स वगैरह लगाते हैं उनके पास ये टेबल्स होते हैं, मैं डायरेक्ट उनके पास चला गया था, मैंने बोला मुझे इस तरीके के टेबल चाहिए, हालांकि मैंने स्टोर 99 का काम नहीं खोला है, अब लोग फिर मेरे को कमेंट करने लगोगे, मेरा कुछ और काम था तो उसके लिए मुझे चाहिए थे। तो मैं जब मेरे को पता नहीं था, और हमें जब नहीं पता होता तो हम कुछ भी करते हैं, तो मैं वहां पर गया उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे सेकेंड हैंड जो ये टेबल है वो 1800 रुपए का दिया, लेकिन इसका नया का प्राइस 1200 रुपए, सॉरी 2200 रुपए। तो 2200 रुपए में आपको ये मिल जाएगा और आपकी सिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो 2200 से 2300, 2350, तो इतनी रेंज में आपको ये टेबल मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना ज्यादा महंगा नहीं खरीद लेना और सेकंड हैंड मत खरीदना, सेकंड हैंड क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हुए होते हैं तो आप आराम से फर्स्ट हैंड ले सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी रैक्स जो है खुल के आएगी बिल्कुल, तो आपको इस तरीके से जोड़ना होगा, आराम से छोटे कुछ नट बोल्ट्स होते हैं उन नट बोल्ट्स को लगाकर आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद दोस्तों आपकी रैक जो है वो रेडी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, नीचे इनके रबर पैड होगा, रबर पैड लगा के आप अपनी शॉप में इनको रख सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी सेल्फ्स को आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट बड़ा है तो उसकी एक सेल्फ आप हटा सकते हो या रख सकते हो या ऊंची कर सकते हो, वो बहुत आराम से कर सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि आप रैक्स लेकर शुरू कर सकते हो, रैक एक बेनिफिट वाला ऑप्शन है तो आप ये कर लो। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं कि आप इस तरीके से लेआउट कर सकते हो अपने शॉप पर सामान को, रैक्स में आप इस तरीके से सारा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हो और रैक के जो ऊपर जो जगह है वहां पर इनका प्राइस भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से रैक में आप सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, हर कैटेगरी का प्रोडक्ट अलग अलग रैक में आप लगा लीजिए और आपका जो है सेल अच्छी हो जाएगी इसको करने से। तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि बिल्कुल ही लो ग्रेड में जाने से अच्छा है कि आप सेकंड ऑप्शन चूज करिए और रैक्स में आप काम शुरू करिए। दोस्तों इस तरीके से आप क्लॉथ्स को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप फोल्ड करके रखेंगे तो क्लॉथ्स लोग नहीं देखते, तो ऐसे आपको रॉड लगा लेनी होगी अपनी दीवार के एक साइड में, पूरी रॉड लगा लीजिए और वहां पर आप क्लॉथ्स को लगाकर आराम से सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों रैक वाला ऑप्शन, रैक वाला ऑप्शन बहुत सिंपल और एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप लगाकर अपना शॉप का काम खोल सकते हैं, अपने स्टोर 99 का काम खोल सकते हैं बिना फ्रेंचाइजी लिए, और फ्रेंचाइजी भी लेंगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने स्टोर 99 का बिजनेस करिए, चाहे फ्रेंचाइजी लेकर करिए चाहे विदाउट फ्रेंचाइजी करिए, ये अप टू यू है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। और मेरा मानना यही है, अगर मेरी एडवाइस लें तो अगर आपने कोई बिजनेस नहीं किया, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मार्केट के नॉलेज है, तो आप बिना फ्रेंचाइजी के करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है वो होता है कि अगर आप बहुत ही बड़े तरीके से खोलना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मॉल वगैरह में जैसे खुला होता है, तो उसके लिए दोस्तों जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और जो है इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी भी बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज मिल रही हैं, आपको मिल जाएंगी अगर आपको इसकी फ्रेंचाइजी चाहिए होगी। अगर आपको चाहिए होगा कि मॉल वगैरह में हम बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा के खोलना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसकी फ्रेंचाइजी बता दूंगा। वो एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है जो बहुत टाइम पहले से काम कर रही है इसका, और उनके जो चीज़ें हैं जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, तो उनसे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं।
और अगर आप बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा फिर आप फ्रेंचाइजी लेकर ही कर लें ताकि आपको जो चीजें हैं वो सॉल्व हुई हुई और बिजनेस मॉडल बना बनाया मिल जाए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी पॉज मशीन की और सबकी, तो आपको दिक्कत आएगी बिजनेस करने में। तो इसलिए आप वैसे कर सकते हैं, आपको एक ईडीसी मशीन चाहिए होगी, इसके बाद आपको चाहिए होगा एक प्रिंटर, इसके अलावा आपको एक पॉज मशीन चाहिए होगी सारे प्रोडक्ट्स को इसमें आप डाल देंगे और उसके बाद आप बिलिंग करेंगे, और एक आपको बिलिंग काउंटर चाहिए होगा, इसके अलावा इस तरीके की आपको कुछ हाई प्रोफाइल रैक्स चाहिए होंगी, क्लॉथिंग के लिए आपको इस तरीके की कुछ रैक्स चाहिए होंगी क्योंकि आप हाई प्रोफाइल मॉल वगैरह में अच्छे तरीके से या बड़ी स्टोर खोल रहे हैं तो आपको इस तरीके की स्टैंडर्ड वाली आपको रैक्स रखनी होगी या इस तरीके से वॉल्स पे आप रैक लगवा सकते हैं, तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप बड़े पैमाने पे खोलना चाहते हो तो। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और मैं छोटी पूंजी लगाकर बिजनेस शुरू करने के बारे में बता रहा हूं अभी, तो मैं इस प्रोडक्ट इस कैटेगरी को अभी कवर नहीं करूंगा पूरे तरीके से। अगर इस कैटेगरी के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कंप्लीट डिटेल आपको बता दूंगा फ्रेंचाइजी की भी और विदाउट फ्रेंचाइजी कैसे आप कर सकते हैं हाई प्रोफाइल तरीके से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाकर। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको किन किन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हालांकि अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तब भी आपको खुद से ही लेनी होगी ये सारी चीजें, और अगर आप फ्रेंचाइजी के बिना कर रहे हो तो आपको मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि आप कहीं भूल ना जाए और बिजनेस करते टाइम आपको दिक्कत आए। तो कुछ दोस्तों आपको चाहिए होंगी रैक्स चाहिए होंगी, हैंगर्स चाहिए होंगे, डमीज चाहिए होंगे, इस तरीके के कुछ डमीज आपको लेने होंगे, और विनाल प्रिंटिंग या फ्लेक्स का काम करवाना होगा अपनी शॉप में। दोस्तों विनाल प्रिंटिंग और फ्लेक्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों इस तरीके से कुछ विनाल प्रिंटिंग होती है, विनाल प्रिंटिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं एक तरीके से स्टीकर की तरह होते हैं, आप उनको आराम से सिर्फ उनको निकालना होता है और अपनी शॉप पे शैम्पू वाला पानी छिड़क के आपको वो लगाकर दे देगा, आपको नहीं लगाना है, बंदा आएगा उनका और लगा के जाएगा। वो मैं इसलिए बता दे रहा हूं अगर थोड़ा बहुत काम आपका रह जाए, कुछ स्टीकर्स आपको खुद लगाने हो तो जो आपका ग्लास होता है या कहीं भी आप उसको लगा रहे हैं तो वहां पर शैम्पू इसलिए लगा लेते हैं ताकि वो चिपकने के बाद अगर आपको लग रहा है सही नहीं है तो थोड़ा बहुत हट सके और निकल के वो आराम से सही लग सके। तो इस तरीके के वो स्टीकर टाइप विनाल प्रिंटिंग होती है, आपको विनाल प्रिंटिंग लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, विनाल प्रिंटिंग की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास कम पैसे हैं या कम इन्वेस्टमेंट है तो आप फ्लेक्स की तरफ जाइए। फ्लेक्स दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी पीछे दिखा चुका हूं, इस तरीके के कुछ फ्लेक्स होते हैं जो आप आराम से प्रिंट करवा लीजिए और उनका बंदा आके फ्लेक्स की कुछ फेविक उगाती है उससे वो आराम से आपकी शॉप पर चिपका देगा। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी शॉप के लिए ऑफर्स जरूर रखने हैं, चाहे आप छोटे पैमाने पर कर रहे हैं चाहे बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 1000 पैम्पलेट्स छपवाने हैं, पैम्पलेट्स इसलिए छपवाने ताकि आप अपने शॉप का एडवर्टीजमेंट कर सकें। आपको एडवर्टीजमेंट करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप 1000 पैम्पलेट्स छपवाओ और अपनी जो कॉलोनी है आपकी, जो भी कॉलोनी जिस भी कॉलोनी में आप रहते हैं वहां पर अपने एक जो अपने अगर एम्प्लॉय हायर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप एक किसी भी को भी हायर कर सकते हैं एक दिन के लिए, उसको पर डे का वेज दे दो और पर डे के वेज देने के बाद उसको वो 1000 पैम्पलेट या 2000 पैम्पलेट जो आपने छपवाए उसको दे दो और वो पूरी जो भी आपकी कॉलोनी जहां पे जितने भी घर हैं सबके घरों में एक एक पैम्पलेट देता जाएगा। पैम्पलेट में क्या छपवाना है, आपको अपनी डे की ग्रैंड ओपनिंग रखवानी है, यानी कि ग्रैंड ओपनिंग, यानी कि ग्रैंड ओपनिंग बड़ा बड़ा लिखना है, यानी कि वो डेट मेंशन करनी है बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी उसमें 29, 39, 99 इस तरीके से कुछ लिखना है। और दोस्तों जो लेडीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑफर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो उनको ऑफर्स देने के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 2000 रुपये से ऊपर का सेल करने पर, परचेज करने पर आपको 2 किलो चीनी फ्री, या 2000 रुपये के ऊपर की सेल करने पर आपको 199 का या 199 का प्रोडक्ट फ्री। तो इस तरीके का कुछ एक ऑफर रख लो ताकि लोग जो है ना जब शॉपिंग करने आए तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करें, इससे क्या होगा आपका भी सामान ज़्यादा निकल जाएगा और आपकी जो है सेल बढ़ जाएगी। तो ऑफर छोटे मोटे रखो, उसमें कोई बिगड़ता नहीं है और ऑफर्स बहुत आसानी से आप रख सकते हैं, या फिर आप आराम से लिख सकते हैं स्टोर 99 खुश होने के 5000 बहाने प्रोडक्ट्स, इस तरीके से आप, ये बहुत अच्छा है, 29, 49, 79, 99, 199, 299 अलग से लास्ट में आप ये रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से देखनी होगी, अभी मैं रिक्वायरमेंट्स को जितना मैं कवर कर सकता हूं मैं कर देता हूं, फिर भी आप लोग लास्ट में बोलते हो भैया ये रह गया, भैया एसी रह गया, भैया फैन रह गया। अब हर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एसी लगाए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप फैन से भी काम चला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। स्पीकर अनाउंसमेंट के लिए आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो कि अनाउंसमेंट करके भी मेरे को एडवर्टीजमेंट करना है अपनी शॉप का तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों छोटी सी एक चीज़ है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, अगर आपकी शॉप है तो आप वाटर कैंपर्स वाले को लगा सकते हैं, जो मंथली बेसिस पे आता है 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, तो आप वो लगा सकते हो, वो आपके वाटर कैंपर्स आपकी शॉप पे ले जाएगा, क्योंकि कस्टमर हैं किसी को प्यास लग सकती है, कईयों के साथ बच्चे आते हैं तो उनको पानी पीना होता है, तो वो पानी आप उनसे उनको उस कैंपर वाटर कैंपर से ऑफर कर सकते हैं, या आप इस तरीके से कुछ वाटर डिस्पेंसर्स भी अपनी शॉप पर लगा सकते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड में खोलना चाह रहे हैं तो वाटर डिस्पेंसर लगा लीजिए।
इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा एक बिलिंग काउंटर जिस पर आप बैठेंगे, शॉप आपकी सामने लगी हुई है और लास्ट में यहां से कस्टमर इंटर करेगा वहीं पे आपको एक काउंटर रख लेना है ताकि कस्टमर इंटर करेगा पूरा सामान खरीदेगा शॉप करेगा उसके बाद लेकर आपके पास बास्केट आएगा और आपसे बिलिंग करवाएगा और वहीं से शॉप से आउट। बस इसके अलावा आपको सीसीटीवी लगवाने होंगे अगर आपकी मर्जी है। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स मैं बता रहा हूं अपने हिसाब से, आपको देखना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट्स कम ज्यादा करनी है। जो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है उसको आप हटा दो, जो आपके लिए लीस्ट प्रायोरिटीज है उनको आप हटा दो, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज है उनको आप मद्देनजर रखते हुए अपना बिजनेस शुरू करो। जैसे आपको लग रहा है बहुत छोटे पैमाने पर है, मेरी शॉप का जो एरिया है वो भी बहुत छोटा है, मुझे सीसीटीवी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद देख सकता हूं, तो मत रखो। अगर आपको लगता है कि मेरे को एम्प्लॉई की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत रखो, बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप चाहते हो कि आपकी शॉप का एरिया बड़ा है तो आप एक एम्प्लॉई रख लो और उस एम्प्लॉई को उसी टाइम हायर कर लो जिस दिन आपकी ओपनिंग होने वाली है उससे कुछ दिन पहले, ताकि वो आपके कुछ काम में हेल्प करवा सके, आपका हेल्पिंग हैंड बन सके। आप सामान लेने अगर दिल्ली जा रहे हो तो वो आपके साथ जा सके, नहीं तो पीछे से अपनी शॉप को क्लीन कर सके हर चीज को। अगर आप स्टॉक जब लेके आएंगे तब भी आपको एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा स्टॉक को अरेंज करने के लिए, तो कोशिश करिए कि उसको 5-6 दिन पहले रख लीजिए ताकि वो आपके कुछ काम करवा सके। बहुत सारे काम होते हैं, अगर आपको पैम्पलेट छपवाने तो उसके लिए अलग किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपने जो एम्प्लॉय रखा है उसी को आप हायर जिसको आपने कर रखा है उसी को आप पैम्पलेट्स दे दो 2,000-3,000 जो भी है और उसको बता दो कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरी कॉलोनी में आपके एरिया में पूरे में, तो वो आप आराम से अपने एम्प्लॉय से ही करवा सकते हो। और दोबारा एक चीज़ रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आपको आप लोग बोलते हो कि ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है या नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है अगर आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहे हो, कस्टमर का टेस्ट समझ रहे हो। क्या होता है बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट अर्निंग मनी, बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दो, अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर बोल रहा है कंप्लेन कर रहा है किसी प्रोडक्ट की तो उस प्रोडक्ट को या तो इंप्रूव करो या उसको चेंज कर दो, किसी कैटेगरी में दिक्कत है उस कैटेगरी को चेंज कर दो। तो ये सब आप तभी कर सकते हो अगर आप बिना फ्रेंचाइजी के खोल रहे हो, लेकिन अगर आपने फ्रेंचाइजी ली तो आप एक सेम एक ही रास्ते में चल रहे हो कंटिन्यूअसली, आप रास्ता बदल नहीं सकते और रास्ता ना बदलने की वजह से हो सकता है आपको बिजनेस बदलना पड़ जाए। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप बिना फ्रेंचाइजी लेके कर सकते हो इसको, ताकि आप अपनी हर इच्छा का प्रोडक्ट आप रख सको, जो आपको पसंद है आप वो चीजें रख सकते हो अपने शॉप में, जो क्वालिटी आपको पसंद है वो क्वालिटी में आप प्रोडक्ट्स रख सकते हो, तो वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। बाकी अब मैं दोस्तों जंप करता हूँ कि आपको कहाँ से सामान मिल सकता है। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से ही सामान लेना है, आप चाहो तो कहीं से भी सामान ले सकते हो। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग ये सोचते हो जब तक आप बिजनेस में नहीं पड़े हो तब तक आप ये सोचोगे कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है सामान लाना कहीं से भी, लेकिन शर्त कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जाकर दिल्ली में बहुत सारे मार्केट्स हैं, अगर आप और यूट्यूब पे इतने सारे व्लॉग्स चैनल पड़े हुए हैं बिजनेस व्लॉग चैनल जिन पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि आप होलसेलर से सामान कहाँ से ले सकते हो। आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली, आपको फुटवेयर है, आप यूट्यूब पे गूगल पे कहीं भी डाल दो फुटवेयर होलसेलर्स आपको मिल जाएंगे, आप नियरेस्ट ढूंढो, जरूरी नहीं है दिल्ली जाना है। अगर कोई आपके नियरेस्ट कोई फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरर है तो आप उससे कंसल्ट करो वाया फोन कर लो, और मोस्ट प्रोबेबली अगर पॉसिबल है तो आप विजिट करके उनके यहाँ मीटिंग कर लो उनके साथ और सारे प्रोडक्ट्स को देख लो। फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ चीज़ें कि आपको कहाँ से खरीद सकते हैं आप। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके के आपको क्लॉथ्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरीके के क्लॉथ्स हैं, इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं दोस्तों, इस तरीके की क्वालिटीज़ के आप प्रोडक्ट ले सकते हो। इनके पास दोस्तों 65 रुपये से लेके जितना महंगा आप लेना चाहो उतने महंगे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 65 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 299, 199, 399, 165 इस तरीके के 199 सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब हर कैटेगरी के आपको कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सेलमोडा ब्रांड के कपड़े हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, दिल्ली में इनकी इंडस्ट्री है, दिल्ली में इनकी शॉप भी है, तो आप इनसे बात करते हैं। इनका पूरा अगर आप ये देखना चाहते हैं PDF तो PDF का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों इनका कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का एड्रेस भी मैं आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देखकर इनके पास आप विजिट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप देख सकते हैं कपड़ों का, अगर आप इसका कंप्लीट PDF देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिएगा इनके PDF फाइल पर और वो आप वहां से आराम से देख सकते हैं। बस आप लोगों को प्राइस की दिक्कत होती है तो प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, 65 रुपये से लेके आप कितनी भी हाई एंड रेंज का प्रोडक्ट इनसे आप ले सकते हैं, तो यहाँ से आप ये क्लॉथिंग ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे मिल जाएंगे दिल्ली में, तो इस तरीके के कुछ प्लास्टिक आइटम्स आपको मिल जाएंगे, हर तरीके का प्लास्टिक आइटम इनके पास मिल जाएगा। तो आप इनका भी मैं शॉप एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप एड्रेस सब कुछ डाल दूंगा, इनकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, आप जैसे ही इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर वो ये लोग भी भेज देंगे। तो इस तरीके के कुछ प्लास्टिक आइटम्स हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत सारे प्लास्टिक आइटम्स आपको यहां पर मिल जाएंगे हर तरीके की हर प्राइस में। दोस्तों 10 रुपए से इनके 10 रुपए 12 रुपए 20 रुपए दर्जन से इनके प्लास्टिक रेंज शुरू हो रही है, तो आपको यहां से सारी कैटेगरी मिल जाएंगे और हाई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे ना, जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इस तरीके के सारे प्रोडक्ट आपको यहां से मिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको एटलीस्ट एक रास्ता दिखा सकूं, क्योंकि अभी फ्रेंचाइजी बेचना तो बहुत आसान है, मैं फ्रेंचाइजीज की वीडियो बहुत आराम से बना सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये चीजों को
को रिसर्च करने में और हर चीज को चेक करने में, फील्ड रिसर्च करने में। तो इस चीज को प्लीज आप ध्यान रखिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई भी दूंगा। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी हो, कुछ क्लियर करना हो, क्लेरिफिकेशन चाहिए हो, तो वहां पे मुझसे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपका कुछ ना कुछ डाउट जरूर क्लियर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप स्टोन इंडियन का बिजनेस करने वाले हो तो इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी, बट एटलीस्ट थोड़ी बहुत मदद आपकी जरूर हुई होगी। तो अगर आपको एक भी पॉइंट रिलेवेंट लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।